गाइस वेलकम टू मारते हैं नडेट्स। आज मेरा पहला ब्लॉग है और फिर मैं दीदी और मम्मी के साथ बाहर FC रोड के लिए जा रहा हूँ। उनको कुछ शॉपिंग करनी है, घर के लिए कुछ लाना है, तो फिर मैं अभी आपको बाहर का वातावरण दिखाता हूँ। वो बहुत फ्रेश है, सनसा है आज वेदर, तो चलो चलते हैं, मैं आपको रास्ते में मिलूंगा। अभी हम FC रोड के लिए जा रहे थे लेकिन हमारे उबर का टायर पंक्चर हो गया, तो फिर अभी थोड़ी देर के लिए हम रुके हुए हैं। तो फिर जब ये हो जाएगा तो फिर मैं आपसे मिलूंगा, FC रोड में ही मिलूंगा आपसे, आप डायरेक्टली। तो चलो हम पहुंच गए हैं FC रोड। दीदी आओ, ये है हमारी असावरी दीदी, से हाय। तो फिर अभी हम पहुंच गए FC रोड, तो मैं दीदी और मम्मी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। और जैसे आपने देखा था उबर का टायर पंक्चर हो गया था, हमने वो करके निकल गए। तो फिर अभी हम जाने वाले हैं शॉपिंग के लिए। अभी गाइस मेरे लिए शॉपिंग करनी है, वो एनिमे वाला स्टोर था ना, उधर से कर लिया। अब माता जी और दीदी का चल रहा है, उनको भी कपड़े लेने हैं ना। कौन सा पसंद आया तेरे को लेना है? मम्मी को फाइनल करने के लिए पूछ जा। मम्मी एंजॉय कर रहे हो? यस यस। तो फिर मैं अभी आपको ऊपर से दिखा देता हूँ, घर जाने के बाद मैं आपको सब कुछ ट्राई करके दिखाऊंगा। ये इतने कपड़े मेरे लिए ले हैं और फिर अभी इनका चल रहा है, पूछ रहे हैं मेरे दूसरी बहन को, पूछ रहे हैं कि तेरे को कुछ अच्छा वाला चाहिए। तो फिर अभी दीदी ने और कुछ सामान ले लिया है उनके लिए, स्कर्ट दीदी के लिए, और मम्मी उसके लिए देख रही है श्रब जैसे, मतलब मेरे को नाम नहीं ध्यान में रहता ना इसलिए। और ये लो और ले रहे हैं। तो अभी मम्मी ने ये वाला व्हाइट वाला शॉप ले लिया है और उसे और पसंद आ रहे हैं स्कर्ट भी, तो फिर वो देख रही है। गाइस हम इधर थोड़ी देर के लिए रुके हैं, हमको भूख लगी है, तो फिर हम इधर पानी पूरी गड़ा खाने के लिए आए स्टोर। तो फिर हमारी भेल आ गई है, फिर मैं आपसे खाने के बाद मिलता हूँ। गाइस ये देखो टाइम्स ऑफ इंडिया का मेन पुणे वाला ऑफिस यहाँ पे है, और वहाँ सामने हमारे ऑडी और सामने टाइम्स ऑफ इंडिया का मेन पुणे वाला ऑफिस। तो अभी हमारी शॉपिंग नेक्स्ट ओवर हो गई है, लेकिन दीदी बोल रही है कि और उसे कुछ लेना है, तो फिर हम जा रहे हैं। उसने बोला था, एक लोकेशन बताई थी मुझे याद नहीं, तो वो बोल रही थी उधर अच्छे कपड़े मिलते हैं, तो फिर उधर हम जा रहे हैं अभी। और ये रही सामने, और यह देखो वही शल भीड़ देखो आप लोग से भीड़ देखो। आपकी
कौन सी लोकेशन बोली थी तुमने? एफसी रोड ना। तो फिर गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, मम्मी को बहुत ज़्यादा बताने के बाद उसने वो भी 100 रुपीज, और अभी और शॉपिंग करनी है इनको यार, इधर इनको लेना है और कुछ सामान घर के लिए लेना, इन्होंने तो खुद के लिए लिया, मेरे लिए सिर्फ ये और थोड़े से कपड़े और कुछ नहीं, यही होता है, ध्यान रखना अगली बार। फिर गाइस लास्ट में हमारी शॉपिंग हो गई है और मैं और मम्मा दीदी जा रहे हैं घर के लिए, लेकिन पापा आने वाले हैं ना, तो फिर पापा के लिए थोड़ी देर रुकना पड़ेगा हमको, अब वो कहाँ गए वो देखना पड़ेगा, मतलब पैक हो गए फिर से, तो फिर मैं उनको मिल के आपको पास आता हूँ। फाइनली ये लोग मिल गए हैं, ये किसी आजूबाजू के दुकान में ही घूम रहे थे, मैं इनको आया और फिर इनको बोलने लगा, ये उल्टा मुझको ही डांटने लगे कि तुझको समझ में नहीं आता बड़ों के पीछे पीछे आना ऐसे, ये वाला भी देखते ये देखो और शॉपिंग करना चाहते हैं ये। गाइस एट लास्ट हमारा सब कुछ हो गया है, कपड़े कपड़े लेने का, और फिर अभी हम निकलने वाले हैं फिर से घर के लिए, और फिर अभी टाइम है 3:55, मतलब नेक्स्ट 4:00 समझ के चल लो, और हम आए थे यहाँ 10:30, इतनी देर से हम सिर्फ कपड़े ये वो ले रहे हैं मम्मी और दीदी के साथ, तो फिर अभी हम निकलते हैं और फिर आपको रास्ते में मिलता हूँ। तो चलो आपको घर मिलने के बाद, घर जाने के बाद ही मिलता हूँ आपको, ओके बाय। तो फिर अभी हमको उबर मिल गई है, हम जाने वाले अब घर को, लेकिन हमारे बिल्कुल सामने BMW में आपको दिख और फिर मैं अब आपको घर जाने के बाद ही मिलूंगा। हेलो गाइस, तो फिर अभी ही हम पहुंचे हैं दीदी के यहाँ, तो फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद फ्रेश होके मिलता हूँ। हेलो गाइस, तो फिर अभी हम आ गए अपने फ्लैट पे और दीदी ऊपर गई है क्योंकि उसकी फ्रेंड का कॉल आ रहा था, पता नहीं क्या क्या रीज़न होगा, लेकिन आने के बाद मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, जब हम जा रहे थे गाड़ी में से, तब मुझको BMW 1000 RR दिखी, मैंने फ़ोन निकाला तब तक वो चली गई, आपको पता ही होगा उसकी स्पीड कितनी होती है, तो फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, और मम्मी और दीदी फैशन शो भी करने वाले हैं, तो फिर वो भी आपको दिखा दूंगा, ओके बाय। गाइस अभी ही दीदी आई है ऊपर से उसकी फ्रेंड के साथ, और फिर कुछ घर का सामान लाना था, और तो फिर मैं वो लाने जा रहा हूँ, और साथ में कॉफ़ी भी पी के आऊँगा, तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ बीच में। फिर गाइस मैं अभी बाहर आ चुका हूँ और मैं कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ, अभी लिफ्ट में से निकला हूँ मैं, और यहाँ पे एक नाथ ब्रह्म नाम की एक जगह है, वहाँ की कॉफ़ी बहुत फेमस है, तो फिर वहाँ पे हम कॉफ़ी पीने वाले हैं। भैया कॉफ़ी कितनी की है? 15? 1-2।
गाइस हमारी कॉफी आ गई है, तो फिर चलिए पीते हैं। तो फिर गाइस हमारी कॉफी पीते हो गई है, तो फिर चलिए उसे डस्टबिन में डालते हैं। जैसे आपको बताया था घर का कुछ काम है, तो फिर इसलिए ग्रोसरी स्टोर जाना पड़ेगा। तो फिर हेलो गाइस, हम लोग ग्रोसरी के यहाँ पहुँच गए हैं और अभी सामान लेने वाले हुए। यहाँ पर कौन है? भैया 250 ग्राम शेंगदाना, 250 ग्राम शेंगदाने सर दे दिया भैया, हिसाब दे दियो भाई दे बारी वाला। अजून काय झाला? आणि दोन एक लिटर चितळे दूध। चितळे गायचे? हां नाही म्हशीचं, म्हशीचं नाही बरं, ठीक आहे गायचं द्या। तब मैं विचारता हूँ। फिर गाइस अभी मैंने ले लिया है सब कुछ घर के लिए जो ग्रोसरी चाहिए थी, तो फिर अब मैं घर जाने वाला हूँ, लेकिन मैं एक और बार कॉफ़ी पी के जाऊँगा। तो फिर अभी गाइस मैंने कॉफ़ी पी ली है और फिर मैं जाने वाला हूँ अब घर को वापस। चलो तो फिर मिलते हैं घर में। क्या हुआ? ये लो कॉफी। तो फिर अब क्या करने वाले हो? सब जो सामान बिखरा पड़ा है उसको मैं तो फ्रेश होने के बाद पढ़ाई को बैठने वाला हूँ थोड़ी देर, नहीं तो मम्मा मारेगी मेरे को। ये देखो इसका शेड्यूल जो इसने दो दिन ही सिर्फ ओबे किया था। ओहो ओहो बाहुबली मम्मा सी क्या चल रहा है? ठीक है बाबू। तो फिर अभी पिताश्री थोड़ी देर में आने वाले होंगे और फिर मम्मा खाने के लिए भी बना रही है हमारे डिनर, लेकिन मैं बाहर का खाने वाला हूँ मोमोज, क्योंकि मुझे बाहर का पसंद है, लेकिन यू नो ना इतना लिमिट। तो फिर मेरा भी ऐसा ही होता है, जब मैं यहाँ था तभी मैं खाना प्रेफर करता हूँ बाहर का, नहीं तो घर में होता हूँ जब अपने वाले तब तो नहीं घर का ही खाता हूँ। तो चलो आपको आज का मेन्यू क्या है वो बताता हूँ। मम्मा आज क्या बनाने वाले हो? क्या बनाने वाले हो? आज हम बनाएंगे जीरा राइस, दाल फ्राई, मटर पनीर और चपाती। और कुछ दाल फ्राई की स्पेशलिटी तो बताओ। दिखाना तुम बनाने के बाद। स्पेशलिटी तो बताओ। एक दे मम्मा बता। तो फिर गाइस मैं आपको एनिमे वाला बता रहा था ना, मैंने चेनसो मैन वाला लिया था, तो फिर ये है वो और कुछ और भी है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में। और फिर ये रहा वाला मेरा दूसरा वाला शर्ट, तो फिर कैसा है कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। तो फिर गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं रात के डिनर में मोमोज खाने वाला हूँ, तो फिर इसलिए मैं मोमोज लाने के लिए जा रहा हूँ। दीदी ने बोला है, लोकेशन बता दिए, मैं जाता हूँ।
फिर चलो नीचे तो आ गए हैं, अब दुकान को चलते हैं। मैं आपको दुकान पे पहुंचने के बाद ही मिलता हूँ। फिर गाइस मैं पहुंच गया और फिर ऑर्डर प्लेस कर दिया, थोड़ी देर में आने वाला है। फिर गाइस जैसे आप देख सकते हैं हमने पार्सल ले लिया है और फिर हम फिर घर के लिए जा रहे हैं। घर में जब खाने के लिए बैठूंगा ना तब आपसे बात करूंगा। चलो तो फिर चलते हैं। हेलो गाइस मैं घर पे आ गया हूँ और फिर हमारा कुछ खाना पीना ओके हो गया है और फिर अब हम कैडबरी खाने वाले हैं, वो भी रोस्टेड आलमंड्स के साथ, क्योंकि हमारे घर में पापा जी को वो बहुत ज़्यादा पसंद है ना, इसलिए। तो फिर आपको मिलता हूँ खाने के बाद। मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ अभी मेरे जो मैंने आपको बताया था ना, हमने FC रोड से कपड़े लिए थे, तो फिर वो दिखा रहा हूँ आपको। ये रे, ये पहले वाले मेरे जर्सी है और ये मैंने आपको बताया था चेन समैन वाला लिया था, और ये यहाँ के 3 कॉटन वाले हैं, और फिर यहाँ फुल चिल वाला मोड चल रहा है। देखिए मम्मी बोल रही है दीदी के साथ, पिताश्री बैठे है देखते हुए, और मेरा एक बीच में कुछ वेगाई चल रहा है फैशन शो। और मैं आपको दीदी का और मम्मी वाला दिखाने वाला था, लेकिन जब मैं बाहर गया था ग्रोसरी के लिए तभी उन्होंने कर लिया, और जब मैंने बोला कि फिर से दिखा तो फिर नहीं दिखा रहे। तो फिर मैं आपको अभी सोते हुए ही मिलूंगा। तो अभी गाइस सब लोग सोने के लिए जा रहे हैं और फिर मैं इस व्लॉग को अभी यही एंड करता हूँ। तो फिर बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आपसे।